गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आशा कर रही हूँ कि तुम लोग घर में रहते होगे और स्वस्थ और हेल्दी होगे। ओके, तो आज मैं तुम लोग का क्लास सिक्स भाषा सेतु लेसन फोर आ रही रवि की सवारी, जो तुम लोग का लेसन फोर में जो कविता है उसको पहले मैं अच्छे से पढ़ा दूंगी और उसका अर्थ भी समझा दूंगी, ताकि तुम लोग खुद से मेरे पे डिपेंडेंट ना होके तुम लोग खुद से उसका कविता भी लिखोगे और अर्थ भी लिखोगे। ठीक है, अर्थ यानी कि सारांश, कविता का सारांश। पिछले क्लास में तुम लोग आसीन सर बहुत अच्छा क्लास लिए होंगे, मैं तो नया तुम लोग के लिए हूँ, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आसीन सर के जैसा ही मैं क्लास लेने का कोशिश भी करूंगी। ओके, तो चलो मैं कविता पद समझा रही हूँ। आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का पथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, सॉरी पहला वाला में है कि नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ग की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, बिहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी, चाहता हूँ उछलू विजय का पर ठिठकता देख कर, यह रात का राजा खड़ा है, यह राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। यह जो कविता है वो कौन लिखे हैं? हरबंस राय बच्चन। आई नो तुम लोग हरबंस राय बच्चन को जरूर जानते होगे, मैं जानती हूँ तुम लोग ये जानते हो कि अमिताभ बच्चन के पापा हैं, लेकिन हरबंस राय बच्चन एक कवि, माने कवि लिखते, कवि भी थे, यानी कि कविता लिखते थे। ठीक है, तो इसमें, इस कविता में जो हरबंस राय बच्चन जी हैं क्या कर रहे हैं, देखो आज ऊपर में, सबसे ऊपर में समरी होता है, तुम लोग के कविता के ऊपर में समरी होता है, उसको भी एक बार तुम लोग पढ़ना। आ रही रवि की सवारी कविता में प्रातः काल, यानी कि जो सुबह होती है, ठीक है, प्रातः काल के समय का वर्णन है। कवि ने उदय होते हुए सूर्य की तुलना किसी राजा के रथ से की है, जो नौ किरणों से निर्मित है, यानी कि सुबह जब होते हैं तो देखना कि लालिमा पूरा छाई हुई रहती है, तो लगता है जैसे कोई रथ सजा हुआ राजा आ रहा है। संपूर्ण कविता में सूर्योदय के वर्णन में राशि ठाट बाट दृष्टिगत होता है। कविता के अंत में हल्का सा अवसाद भी है, सूर्य रूपी राजा अपनी विजय से प्रसन्न है, किंतु रात के राजा चंद्रमा को भिखारी के रूप में उसकी यह प्रसन्नता लुप्त हो जाती है। अब क्या बोल रहा है अब वहां पे कवि वर क्या बोल रहे हैं कि सूर्य को राजा बोल रहे हैं लेकिन चंद्रमा को भिखारी बोल रहे हैं, क्योंकि जब सुबह होती है तो चंद्रमा छुप जाता है, तो यानी कि वो भिखारी है, राजा सूर्य के सामने वो भिखारी बन जा रहा है। सत्य है समय के आगे राजा रंक कोई नहीं। अब क्या है, यह सत्य बात है कि समय के आगे कोई राजा और कोई रंक यानी कि भिखारी कोई भी नहीं है। कविता में गीति तत्व विद्यमान है, भाषा में कठिनाई शब्दों की नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ को समझाने की आवश्यकता है, जैसे कि बादलों से अनुचरों ने स्वर्ग की पोशाक धारी, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। अब क्या बोल रहा है इस कविता में, क्या बोल रहा है कि बादल जो लोग जो होते हैं अनुचर है, यानी कि उसके सेवक है, ठीक है, और बोल रहा है रात का राजा कौन होता है, चंद्रमा होता है, ये हाँ चंद्रमा होता है, वह जो है भिखारी के समान दिख रहा है सूर्य के सामने, जैसे ही देखना कि जब रात में तुमको इतना उजाला नहीं मिलेगा जितना कि सुबह होती है, तो यानी कि राजा कौन हुआ, सूर्य, और चंद्रमा में उतनी रोशनी नहीं है कि वो पूरे सुबह के जैसा वो उजाला फैला सके, तो वह एक भिखारी हुआ। तो यही चीज, और यहाँ पे एक लाइन देखना तुम लोगों को दिया हुआ है, तारकों की फौज सारी छोड़कर मैदान भागी, छोड़कर यानी कि तारका माने राक्षस, तारका एक राक्षस थी, तो उसको पूरे जो सूर्य में जितने भी तारे हैं उसको तारक माने राक्षस बोल दिया गया, कि वो जब सूर्य सुबह जब सूर्य उगता है तो क्या होता है, राक्षस सब भाग जाते हैं, यानी कि तुम लोग को छोटा हुआ
टिमटिमाता हुआ सितारा जो वो दिखता ही नहीं, तो यानी कि वो लोग मैदान छोड़ के भाग जाता है। तो इस तरह से ये कविता में रवि यानी कि सूर्य के बारे में बताया गया है, ठीक है, उस कैसे उगता है और कहाँ किसको राजा बोला गया, किसको भिखारी बोला, किसको राक्षस दूत, ये सब बोला गया, ये सब इस कविता में ऊपर सारांश दिया हुआ है। तो आई थिंक कि तुम लोग जरूर समझे होगे, और नेक्स्ट में भी मैं एक बार जब स्कूल खुलेगा तो फिर से रिविजन मैं कर दूंगी, हो सकता है बहुत सारे बच्चे को समझ में ना आए लेकिन वो मैं समझा दूंगी। तुम लोग एक बार वीडियो में लिखना कि हाँ तुम लोग जो ग्रुप हम लोग को बना हुआ वहां लिखना कि हम इस हमको समझ में नहीं आया, तो मैं तुम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में इसका अर्थ लिख के अच्छे से भेज दूंगी, ठीक है। फिर थैंक यू एंड ओके, और मैं बोलूंगी तुम लोग घर में रहो और हेल्दी रहो, ठीक है, घर में ही रहना, ये नहीं कि बाहर खेलने निकल गए तो देखो तुम ही लोग इसमें प्रॉब्लम में आ जाओगे। अच्छे से रहो, पढ़ाई करो, ठीक है, फिर बाय।